एक व्यक्ति की दो बेटियां, एक का विवाह किया कुम्हार के साथ, उसका पति मिट्टी के घड़े बनाता था, दूसरी बेटी का विवाह किया तो उसका पति खेती का कार्य करता था। विवाह होने के कुछ दिन बाद दोनों बेटियों के घर में गया। जब बड़ी वाली बेटी के घर में गया, पूछा, बेटी क्या स्थिति है, क्या हालचाल है? बोले, पिताजी सब कुछ ठीक है, पर प्रभु से प्रार्थना करिए कि 5-7 दिन तक बारिश न हो। घड़े बाहर धूप में सूख रहे हैं। घड़े बाहर धूप में सूख रहे हैं, यदि बारिश हो जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दूसरी बेटी छोटी वाली के घर गया। वो बेटी, क्या हाल है? पिताजी सब ठीक है, पर प्रभु से प्रार्थना करिए कि 5-7 दिन के भीतर ही बारिश हो जाए, नहीं तो सारी फसल चौपट हो जाएगी। अब बताओ किसान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, कि बारिश कराए या नहीं कराए? यदि बारिश कराए, कराने की प्रार्थना करेगा तो बड़ी वाली को कष्ट होगा, यदि बारिश न होने की प्रार्थना करेगा तो छोटी वाली को कष्ट होगा। बारिश का होना एक ने अनुकूल मान लिया, एक ने प्रतिकूल मान लिया। एक कहती है बारिश का होना बढ़िया है, एक कहती है बारिश का न होना बढ़िया है। इसी प्रकार स्थिति यही होती है। ईश्वर सबके लिए एक ही है, उनकी कृपा हर किसी के लिए है। किसी को कृपा समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई वस्तु किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है। किसी को गर्मी का मौसम बहुत पसंद है, किसी को लगता है कि गर्मी का मौसम आए ही ना कभी। किसी को ठंड बहुत पसंद है, किसी को लगता है कि ठंड आती ही क्यों है। तो इसमें भगवान का कोई पक्षपात नहीं होता है। व्यक्ति अपनी रुचि और अपने मन के अनुसार किसी को अनुकूल मान लेता है, किसी को अपने लिए प्रतिकूल समझ लेता है। इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, भगवान तो सम है, सबके लिए बराबर है। किसी के लिए उनके मन में भेदभाव नहीं है।